मैं मसर फातिमा, आज आपके लिए देखिए रेड चिकन की रेसिपी बताऊंगी। रेड चिकन बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर लिया है, 10 मैंने बादाम लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी ली है, एक देखिए 1 कप मैंने दही लिया है, 1 अदरक लहसुन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें अदरक लहसुन कभी भी चिकन बनाए तो थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करिए। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 चम्मच मैंने चिकन मसाला लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। देखिए मैंने प्याज को तल कर रेडी रख लिया है। एक टमाटा है जो मैं पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी, करियापक है, 1.5 नींबू है, हरी मिर्च को देखिए मैंने किस तरीके से इसे कट कर लिया है, हरा धनिया। आइए मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए मैं चिकन में मिला लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें मिलाऊंगी मैं चिकन मसाला और गरम मसाला। इसे अच्छे से हाथ से मिलाना है, मिला के मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है हाथ से, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूंगी। हो गया है, मैंने जो प्याज तल कर जो निकाला था वही तेल में मैं चिकन को ऐड करूंगी। ये देखिए मैं पहले डालूंगी करियापा, करियापा को हमें जलने नहीं देना है, उसके बाद हम डालेंगे चिकन। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। मैंने इसमें आधा नींबू भी मिलाया है, आपको बताना मैं भूल गई थी, जब मैं चिकन में सारे मसाले मिलाए हैं, जब मैंने इसमें आधा नींबू भी मिला दिया है। तो देखिए मैं इसे धीमे पे थोड़ा पकने के लिए रखूँगी, तब तक मैं काजू और चिरौंजी और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। धीमे पे मैं इसे 2 मिनट के लिए रखूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, ये देखिए, और साथ में मैं डालूँगी तली हुई प्याज इस तरीके से। अब मैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। रेड चिकन बनाना भी बहुत इजी और आसान है, आप लोग ज़रूर बनाइए। टमाटर ज़्यादा मत डालिए, एक ही डालिए, अगर आप ना डालना चाहे तो मत डालिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए धीमे पे रखूँगी। ये जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाएगा, दही का पानी जो है वो भी अच्छे से सूख जाएगा। ये देखिए मैंने 1/2 चम्मच लाल कलर लिया है मीठे का, आप जब चिकन मिलाएंगे आप तभी ये डाल दे सकते हैं, मैंने अब ऐड किया है इसमें, इसे अच्छे से मिला लूँगी मैं। अब मैं इसे अच्छे से मैं दही का पानी सूख जाना चाहिए और चिकन भी जब तक गल जाएगा मैं इसे धीमे पे 10 मिनट के लिए रखूँगी। मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर जो मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया अच्छे से, इसे भी डाल के अच्छे से मिला लूँगी मैं इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक रहा है, अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, मैं बीच बीच में इस तरीके से मैं इसे मिलाते रहूँगी। अब मैं इसे इस तरीके से ढाप कर रख दूँगी, 10 मिनट अभी नहीं हुए हैं, धीमे पे अभी चिकन को मैं गलने के लिए रखूँगी। दही का पानी जो है इसमें, टमाटा वो सब मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया है वो अच्छे से पक जाएगा, वो अच्छे से देखिए चिकन भी गल जाएगा। अब मैं इसे ढाप कर रखूँगी। देखिए दही और पानी
जो मैंने इसमें डाला दही और जो टमाटर जो डाला है उसका पानी भी अच्छे से सूखने लगा है। आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें ये देखिए बादाम और जो चिरौंजी मैंने पीसे हैं वो ऐड करूँगी इसमें। साथ में मैं डालूँगी हरा धनिया। अच्छे से इसे मिला लूँगी मैं। ये देखिए मैं इसमें मिलाऊंगी हरी मिर्च। पाँच मिनट के लिए मैं इसे धीमे पे रख दूंगी। इसमें जो मैंने बादाम और चिरौंजी का जो पेस्ट मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छे से पकने लगा है। अब मैं इसे स्पीड आंच पर 2 मिनट तक भूनूंगी इसे अच्छे से। इसमें जो मैंने बादाम और चिरौंजी यूज़ की है वो भी अच्छे से भुने जाएंगी। देखिए मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। मैंने इसे भून दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो नींबू है, एक मैंने हाफ नींबू चिकन में डाला था, एक नींबू मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मैं डालूंगी। मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप चावल से भी खा सकते हैं, इसे बटर नान के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फंक्शंस में ये शादियों में या किसी भी फंक्शंस में आप देखिए रेड चिकन जो बनाते हैं ये वही ये रेसिपी है। आप लोग इसे बनाइए खाइए, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए धीमे पे दम पे रख दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए इसमें ग्रेवी भी है, बहुत ही अच्छे से बनी है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं इसमें पानी मत डालिए। मैं इसे धीमे पे दम पे रखूँगी। अब मैं इसे दम पर रख दूँगी। ये देखिए रेड चिकन रेडी हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं इसे सर्व करूँगी। चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है, मसाले भी हमने सारे अच्छे से भुने हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है ये। मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे को पसंद आने के बाद मैंने आप लोगों से ये रेसिपी शेयर की है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। मिर्ची नमक मैंने सब टेस्ट किया है, हर चीज़ बराबर है इसमें। अब मैं इसे सर्व करूँगी। देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी प्याज रखी थी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। देखिए रेड चिकन रेडी हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा बनाने का तरीक़ा आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।